नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी आपके क्वेश्चंस आईएएस, फिर चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग 47 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 48वां टेस्ट है। तो चलिए, 48वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों, जो नीचे कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। निजी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकते हैं, ये आपका सही है। गोलकनाथवाद 1967 में संविधान की आधारभूत संरचना की अवधारणा को अपनाया गया था, ये आपका गलत है। राज्य विधानमंडल के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने की कोई समय सीमा नहीं है, सही है। संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकती, ये भी आपका सही है। तो याद रखना है आपको, इसमें पूछ रहा था आपका, क्या पूछ रहा था कि सही नहीं है संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर एक में बी ऑप्शन होगा, ठीक है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति और विक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया है, संसद के विशेष बहुमत से, और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के साथ बहुमत से अनुसमर्थन द्वारा। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इन संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक या तो एक मंत्री या फिर एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। गोलकनाथवाद 1967 में उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों को अपरिवर्तनीय और अनुल्लंघनीय मानते हुए कहा कि संसद इन अधिकारों में से किसी को भी ना तो समाप्त कर सकती है, ना ही इनमें कमी कर सकती है। संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के में वर्णित विधि की परिभाषा में शामिल है, इसलिए संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। हालांकि केशवार नंद भारती बाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथवाद 1967 के निर्णय को पलट दिया और आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया था। तो इसमें आपका बी था। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसे संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर दो में आपका ए ऑप्शन होगा। संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संविधान संशोधन होता है। संविधान के वे प्रावधान जो राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित होते हैं आपके, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से समर्थन से संशोधन किए जा सकते हैं। इस प्रकार के संशोधन प्रावधानों में आपके शामिल हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसका तरीका, संघ और राज्यों की कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, सातवीं अनुसूची में शामिल कोई भी सूची, संसद में राज्य सूची राज्यों का प्रतिनिधित्व, और संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उनकी प्रक्रिया, ठीक है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद
21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें आपका निजता का अधिकार भी है शामिल और स्वास्थ्य का अधिकार है, लेकिन काम का अधिकार नहीं। तो इसमें क्या होगा, 1 और 3। भारत में काम का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 41 के तहत कहा गया है कि राज्यों को काम करने का अधिकार प्रदान करने हेतु प्रयास करने चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 21 है जो आपका प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को सुनिश्चित करता है। दोनों शर्तें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कई प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हुए इन्हें बहुत ही विस्तृत और व्यापक आयाम दिया गया है। इसमें क्या था, 1 और 3 सही था। क्वेश्चन है हमारा 4। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो कथन है आपके नीचे, इन पर विचार करना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, वन संरक्षण अधिनियम 1980, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951, उपयुक्त में से कौन से अधिकार राजनीति निदेशक के तथ्यों को लागू करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किए गए हैं, जो आपके ऊपर 4 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन से अधिनियम, जो ये सभी अधिनियम है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तथ्यों DPSP को लागू करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किए गए हैं। तो इसमें आपके 4 हैं। क्या हैं, 4 हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डी हुआ। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन चुनना है। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में शामिल किए अनुपत्य के समान है, गलत है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये आपका सही है। सभी निदेशक नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका केवल दूसरा कथन सही है। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों के लिए जारी अनुदेश पत्रों के समान है, याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं के तहत केवल अनुच्छेद 39B और C को 2 मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है, 14 और 19 पर, आर्टिकल 14 और 19 पर। इसलिए यदि कोई कानून एक निर्देशक तत्व को प्रभावी करने का प्रयास करता है तो अनुच्छेद 14 और 19 के साथ संघर्ष की स्थिति में न्यायालय इस तरह के कानून को उचित मान सकता है, इस तरह के कानून को असंवैधानिक से बचा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका केवल दूसरा कथन सही था। क्या था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। बात करते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन की। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं, गलत है। ये केवल संसद द्वारा प्रवर्तनीय है, ये भी आपका गलत है। न्यायिक समीक्षा के लिए मौलिक कर्तव्यों का उपयोग किया जा सकता है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका केवल तीसरा कथन सही है और
और दो गलत हैं आपके। बता दें आपको कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थी। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, याद रखना है समिति को, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। राष्ट्रप्रेम की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में सहायता करने के लिए मौलिक अधिकारों का अनुपालन सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व है। इस मामले में याद रखना है, न्यायालय ने अनुच्छेद 51A के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए एक आपका जजमेंट दिया हुआ था। कौन था ये जजमेंट? गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमातवाद 2006 में राज्य में गौवध पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं ने अपील की थी कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत उसके व्यापार अथवा आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके बाद जो भी फिर मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्य को जनसाधारण हित के व्यवसाय पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। न्यायालय ने आगे कहा था कि प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 और 51A के उद्देश्यों को बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका केवल तीसरा कथन सही था। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की मूल संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करता है, सही है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूल संरचना का भाग है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दोनों कथन सही है। क्या है? दोनों कथन सही है। संगरी प्रसाद बाद 1951 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। फिर आपका गोलकनाथ बाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय माना, इसलिए संसद इन्हें अधिकारों में किसी भी को ना तो कम कर सकती है ना ही इन्हें वापस ले सकती है। केशवानंद जो भारती बनाम 1973 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बाद 1967 में दिए गए निर्णय को पलट दिया और मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के मूल ढांचे के को बदलने की शक्ति नहीं देता है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही थे। बात करते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रवेश की स्वतंत्रता का उल्लेख है, गलत है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारत की अखंडता एवं राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध किया जा सकता है, ये आपका सही है। तो एक कथन इसमें गलत है, दूसरा आपका सही। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया, इसमें केवल वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। संविधान सभा की बहस में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता का कोई विशेष उल्लेख आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में प्रेस और एक व्यक्ति या एक नागरिक समान है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रेस की स्वतंत्रता को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा माना, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में सुनिश्चित किया गया। 19(1)(a) में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य में उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें आपका
केवल दूसरा कथन सही था। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन। गंगा नदी बेसिन में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा के प्रकारों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गंगा नदी बेसिन में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा के प्रकारों को उत्तर से हमें दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहले आपका भाबर है, फिर होगा आपका तराई, फिर आपका बांगर और फिर खादन, यानी कि 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। इस प्रकार हमारा होगा इसमें बी ऑप्शन, 2, 1, 4, 3। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह गोंडवाना लैंड के विवर्तनिक स्थानांतरण का परिणाम था। सही है। पठार का पूर्वी विस्तार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। सही है। कार्वी आंगलोंग पठार दक्षिण के पठार का एक भाग है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। समाचारों में रहा थावेट्स हिमनद कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के विज्ञानिकों ने पश्चिम अंटार्कटिका में थावेट्स हिमनद के तल में लगभग 300 मीटर लंबे विशाल का छिद्र की खोज की है, जो निरंतर बढ़ रहा है। क्वेश्चन है हमारा 12। निम्नलिखित में से कौन से देश कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसमें आपका ईरान होगा केवल। क्या है? ईरान केवल दूसरा सही है। कैस्पियन सागर उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस, पश्चिम में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में आपका तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। फिर से सुन लीजिए, कैस्पियन सागर उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस, पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। फारस की खाड़ी का पर एक तट रेखा वाले देश उत्तर दिशा से दक्षिणावर्त ईरान, ओमान का मुसंदम बही क्षेत्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और उत्तर में पश्चिम में दिशा में इराक है आपका। इसमें केवल आपका 2 था। क्वेश्चन हमारा 13। समाचारों में रहा संघ राई नेत किस राज्य से संबंधित है? ये आपका त्रिपुरा। क्वेश्चन है हमारा 14। BLANDM फर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नई दिल्ली मेटलो बीटा लैक्टामेज फर्स्ट बोला जाता है इसे। इसका पूरा नाम क्या है? नई दिल्ली मेटलो बीटा लैक्टामेज फर्स्ट। यह एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। सही है। यह केवल भारत में पाया जाता है। ये आपका गलत है। 14 में केवल आपका एक कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यह जीवाणु पाकिस्तानी यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और जापान में भी पाया जाता है। तो इसमें आपका केवल एक था। क्वेश्चन है हमारा 15। भूमि निम्नीकरण तटस्थता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूमि निम्नीकरण तटस्थता का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा का संवर्धन करना है। सही है।
सतत विकास लक्ष्य 16 का उद्देश्य भूमि निम्नीकरण तटस्थता को प्राप्त करना, ये आपका गलत है। बॉन चैलेंज का उद्देश्य निम्नलिखित भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका डी ऑप्शन सही है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो आपका SDG 15 है, इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर भूमि निम्नीकरण तटस्थता प्राप्त करना है 16-15 के तहत। याद रखिए हम लोगों ने आपके टेस्ट में ही शायद 46वें टेस्ट में हम लोगों ने जो भी आपके SDG गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य, इन्हें हम लोगों ने देख लिया है। तो वहाँ जाकर आप लोग देख लें, उन्होंने 17 ही लक्ष्य को आप लोग रट लें, जो भी आपको करना है बस याद रखना है, क्योंकि उनसे हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका 1 और 3 सही। क्वेश्चन है हमारा 16। निम्नलिखित में से किन किन देशों को फार्म टू पोर्ट परियोजना के तहत शामिल किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। कतर गलत है। संयुक्त अरब अमीरात, UAE और सऊदी अरब ने अपने खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए भारत को एक आधार के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना को क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार द्वारा फार्म टू पोर्ट योजना परियोजना की आधिकारिक रूप से घोषणा की है। यह एक संगठित कॉर्पोरेटाइज फॉर्म जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के समान होगा, जहां UAE और सऊदी अरब के बाजारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फसलें उगाई जाएंगी। तो इसमें आपका 1 और 2 सही था, यानी कि सी ऑप्शन। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन। तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तिस्ता नदी का उद्गम वहीं से जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, यह आपका गलत है। रंगीत रंग की नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है। यह तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है, यह आपका सही है। तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यह आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में केवल आपका दूसरा कथन सही है, 1 और 3 गलत है। तिस्ता नदी है आपकी जो ये उत्तरी सिक्किम की हिमालय की तिसो ल्याहमो झील से निकलती है और ब्रह्मपुत्र हिमालय की कैलाश पर्वत माला से उत्पन्न होती है। और जो आपकी रंग तिस्ता सिक्किम और दार्जिलिंग पहाड़ियों के ढलानों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में विसर्पा का पथ बनाती हुए फुलचोरी में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन है हमारा 18। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं? मृदा अपव्यय को रोकना, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण, सही है। प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका 1, 3, 4 कथन सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो इसमें होगा आपका 1, 3, 4, यानी कि सी ऑप्शन। बात करते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन की। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त कथन सही है, समुचित अर्थ को दर्शाता है? तो इनमें से हमें देखना है। इसमें आपका अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं हैं। वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वसम्मति से पुष्टि की कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि निजता एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी का अंतर्भूत भाग है। पीठ ने यह भी कहा है कि निजता के तत्व संविधान की भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा मान्यता प्राप्त और गारंटी के स्वतंत्रता और गरिमा के अन्य पहलुओं से अलग अलग संदर्भों में भी उत्पन्न होते हैं। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? याद रखिए, एक तो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें के तहत बड़े स्तर पर संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसमें था आपका उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, और ये 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में जोड़ा गया था। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है।